नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दुपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सभापति के साझा उम्मीदवार के चयन करक लेल पोडेल समूह में अंतिम रस्साकस्सी भेल शुरू। 4 गोटे नेता आई पुनः इस विषय में करता विचार विमर्श। बैतड़ी में भेल जीप दुर्घटना में मृत्यु हो वाला सबक संख्या पहुंचल 5। कच्ची सड़क के कारण दुर्घटना भेल होयत प्रहरी के छुनुमान। नेपाल में सेहो कोरोना के नवका वेरिएंट ओमिक्रोन भेल पुष्टि। स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण रूप में पालन करक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय केलक अपील। चीन के बेजिंग में होवे वाला ग्रीष्मकालीन खेलकूद ओलंपिक में कूटनीतिक बहिष्कार करवाक अमेरिका केलक घोषणा, मुदा अमेरिकी खिलाड़ी सभक रहत सहभागिता। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन के आर्सेनल ऊपर भेल पुनरागमन। पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल समूह में केंद्रीय सभापति के साझा उम्मीदवार के चयन करक लेल अंतिम रस्साकस्सी शुरू भेल अछि। प्रदेश अधिवेशन समाप्त भेलाक बाद सोम दिन बैसल सभापति के 4 आकांक्षी वरिष्ठ नेता पौडेल, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह आ केंद्रीय सदस्य डॉक्टर शेखर कोइराला बीच सहमति नहीं भ सकल। पछिला किछु समय सँ वरिष्ठ नेता पौडेल आ महामंत्री डॉक्टर कोइराला जँ सहमति देतनि तँ अपना सब त्याग करक लेल तैयार छी बताबैत आबि रहल छथि, मुदा पूर्व महामंत्री सिंह आ केंद्रीय सदस्य कोइराला अपना मजबूत उम्मीदवार छी कहि कऽ दावी करै छथि। 4 गोटे नेता आइ दुपहर पुनः विचार विमर्श करतनि कहल गेल अछि। बैसार पूर्व महामंत्री सिंह के निवास चाकसीबाड़ी में दुपहर 1 बजे बैस रहल नेता सब बतौलनि अछि। बैतड़ी के पाटन नगरपालिका एक सकार थली में भेल जीप दुर्घटना में मृत्यु होबय वाला सभक संख्या 5 पहुंचल अछि। जिला के पाटन बाजार से कैलपाल जा रहल से एक J888 नंबर के जीप पाटन नगरपालिका एक सकार थली में दुर्घटना में पड़ल। मृत्यु होबय वाला में पाटन नगरपालिका के 40 वर्षक जानकी भट्टराय, 13 वर्षक विनोद भट्टराय, 72 वर्षक रमा भट्टराय, 24 वर्षक प्रेम चुनारा आ 20 वर्षक मनीषा बीक रहल छथि। मृतक समय सँ जानकी के पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत्यु भेल तँ बाकी 4 गोटे के घटने स्थल में मृत्यु भेल। मृत्यु भेल प्रेम आ मनीषा के 10 दिन पहिने मात्र विवाह भेल छल। दुर्घटना में पड़ कर अन्य 5 गोटे घायल भेल छथि। हुनका समय सँ 2 गोटे के जिला अस्पताल डडेलधुरा आ बाकी के पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लेल पठाओल गेल अछि। सड़क सँ 100 मीटर नीचा खसल जीप कच्ची आर ढड़काहा बाट के कारण दुर्घटना भेल होयत कहि कऽ प्रहरी के अनुमान अछि। नेपाल में कोरोना के नवका वेरिएंट ओमिक्रोन पुष्टि भेल अछि। अगहन 19 कते राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में कयल गेल कोरोना परीक्षण में 2 विदेशी नागरिक सब में ओमिक्रोन पुष्टि भेल। नवका वेरिएंट ओमिक्रोन नेपाल में पुष्टि भेल ई पहिल केस रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी देलनि। ओ संक्रमण पुष्टि भेल सब के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल आ संक्रमित सब में कोनो लक्षण नहीं देखल गेल बतौलनि। अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। त्यो देखिएको भेरिएन्ट अहिलेसम्म 35 देशहरूमा गरेर 574 पुष्टि भएको अवस्था छ। 19 गते राति त्यसको नतिजा आएको छ र त्यो नतिजा आउँदा दुईजना विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ नेपालमा। डॉक्टर अधिकारी सरकार विविध नाका समेत तीव्रता के साथ निगरानी बढ़ौलक बतौलनि। ओ एहि वेरिएंट के लक्षण आ असर पहुल के वायरस सँ रहल बतौलनि। सह प्रवक्ता अधिकारी एहि सँ बचबाक लेल मास्क लगेनाइ, सर सफाई में ध्यान देनाइ, हाथ धोनाइ जेहन काज करय पड़त बतौलनि। ओ एहि सँ जनस्वास्थ्य के सुरक्षाक लेल सरकार खोप के व्यवस्थापन, स्वास्थ्य के मापदंड सब में केन्द्रित रहल आ आवश्यक अस्पताल, सैया आ वेंटिलेटर आदि के व्यवस्था सेहो केलक बतौलनि। यो नयाँ भेरिएन्ट आए पनि यसले पार्ने लक्षणहरू, यसले पार्ने सङ्क्रमणको तरिकाहरू चाहिँ, फैलिने तरिकाहरू चाहिँ
पहिलेकै भाइरस जस्तो हो जस्तो भेरिएन्ट हो त्यस्तै अनुसारकै संक्रमणको अवस्थाहरू देखिन्छ अलि बढी संक्रामक छ भनिएको छ यद्यपि यसका धेरै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान हुने क्रममै छन् आउने क्रममै छन् अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूले अहिले हामीले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौँ मास्क लगाउने कुरा बहुत दूरी कायम गर्ने कुराहरू हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू भेन्टिलेसन भएका ठाउँहरूमा बस्ने कुराहरू यी कुराहरूले संक्रमण अगाडि फैलिनलाई रोक्छ सहप्रवक्ता अधिकारी के अनुसार पड़ोसी देश भारत में नवका वेरिएंट के संक्रमित बढ़ रहला कारण नेपाल में सेहो संक्रमित बढ़ सकबाक संभाव्यता के ध्यान में रख कर विदेश से आबय वाला नागरिक सब के क्वारंटाइन में रखबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलन मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम मैथिली समाचार में आ बाकी समाचार प्रदेश दू सरकार विवाह पंचमी के अवसर में सार्वजनिक छुट्टी दऽ रहल अछि सोम दिन सूचना जारी करैत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय अघन 22 गते बुध दिन सार्वजनिक छुट्टी देत जनौलक तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर भीतर रहल सरकारी तथा निजी विद्यालय में 3 दिनक सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय सेहो केलक अछि जनकपुर धाम के जानकी मंदिर में जारी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम विवाह पंचमी महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगल दिन से बृहस्पति दिन धरि शिक्षण संस्था बंद करबाक निर्णय भेल शिक्षा युवा तथा खेलकूद महाशाखा के प्रमुख मोहिलाल यादव जानकारी देलन साथे कार्यालय कोरोना महामारी के जोखिम कायम रहला कारण स्वास्थ्य सतर्कता अपना कऽ विवाह महोत्सव में सहभागी होबाक लेल सेहो अपील केलक अछि तहिना जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा विवाह पंचमी में बहुमूल्य गौरगहना लगा कऽ सहभागी नहि होबाक लेल अपील केलक अछि जनकपुर में अखन विवाह महोत्सव के रौनकता देखल जा रहल अछि जनकपुर स्थित जानकी मंदिर रंग बिरंगक फूल लाइटिंग सबसे सजाओल गेल अछि नेपाल आ भारत के लाखों श्रद्धालु विवाह महोत्सव के आनंद लेबाक लेल जनकपुर पहुंचल छथि त्रेता युग में भगवान राम आ माता सीता के विवाह भेल स्मरण में प्रत्येक साल जनकपुर धाम में भव्यता पूर्वक सीता राम विवाह पंचमी महोत्सव मनाबैत आबि रहल अछि संसद अधिवेशन अंत्य करबाक आ आह्वान करबाक श्रृंखला जनता के समस्या सुनयवला माध्यम सँ बेसी राजनीतिक खींचातानी में अपन नियत पूरा करक लेल प्रयोग भ रहल अछि संसद सँ कानून बननाइ सहज अवस्था नहि देखलाक बाद दल सब अध्यादेशे मार्फत एहन काज सब करक लेल उद्दत रहैत छथि बाध्यकारी समय में प्रयोग करबाक लेल राखल गेल अध्यादेश के प्रावधान सत्ताधारी दल सब के लेल नियमितता जेहन बनि गेल अछि एहि बेर समेत राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी बृहस्पति दिन संसद अधिवेशन 28 गतेक लेल आह्वान केला पर समेत ओहने संयोग बनल अछि एक दिन पहिने बुध दिन 6 अध्यादेश जारी भेल संसद में 57 विधेयक विचाराधीन अवस्था में अछि आ ओहो पर प्रधान न्यायाधीश विवाद आ MCC समझौता के जटिल विषय में समेत संसदे सँ निकास के खोजी कयल गेल अछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसद में महाभियोग दर्ता होयत कहिकऽ किछु नेता सब बता चुकल छथि अरु के यस्ता महत्वपूर्ण जस्तो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा पनि धेरै कुराहरू उठिरहेका छन् समस्याहरू छन् ती हाम्रा संसदमै रोकिएर बसेका छन् अरु यस्तै केही महत्वपूर्ण कुराहरू छन् यसरी संसदबाट तत्कालै कानुनहरू बन्ने जुन अपेक्षा साथ सरकारले विधेयकहरू पेस गर्थ्यो गर्दछ ती नबन्दाखेरि सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्नु त स्वाभाविक हो बाहिर देख्दा चाहिँ अध्यादेश अनुसार संसद तल कि अथवा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा संसद तल कि भन्ने त देखिएन दलहरू सोझी आए त फेरि हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोपले अर्को आउँथ्यो दलहरूले गरिराखेका छन् यस्ता प्रधान न्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्ने गरी अनि अख्तियारले मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी खतम पार्नको निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेछ काम हुन्छ एमाले के विरोध के बीच अंत कयल गेल संसद अघन 28 गतेक लेल तय कयल गेलाक बावजूदो एमाले पुनः विरोध कऽ सकबाक संकेत देलक अछि हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू निष्कासित व्यक्तिहरू संसद भित्र राखेर सरकार चल्न संसद चल्न संसद कसरी चल्न सक्छ नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्छ
एखन के अवस्था में 28 गते संसद अधिवेशनक आह्वान केनाय के मात्र राष्ट्रीय राजनीति टा संगे जोड़ कर नहीं देखल गेल अछि। वह दिन एमसीसी बोर्ड बैसार अमेरिका में समेत बैस रहल अछि, जाहि के एक एजेंडा में नेपाल संगे के समझौता समेत रहल अछि। एमसीसी प्रतिनिधि सभक नेपाल भ्रमण के समय नेता सब सलाह विचार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त क चुकल छथि। कैमरा में सजन थापा के साथ विकास पोडेल के रिपोर्ट। निरंतर घटते जा रहल शेयर बाजार के कारण लगानीकर्ता सब निराश भेल छथि। शेयर बाजार के प्रभावित करैत राष्ट्र बैंक सँ आयल मौद्रिक नीति के नै रोक सकल कहैत लगानीकर्ता सब अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के राजीनामा के मांग कयलनि अछि। मौद्रिक नीति के समीक्षा पश्चात शेयर बाजार सकारात्मक नहीं भ सकल अछि, तँ लगानी के लेल बैंक सब शेयर कर्जा में संकुचन कायम रखने अवस्था अछि। 3200 बिंदु में पहुँचल नेप्से सूचक घटि कऽ 2400 के नजदीक पहुँचल अछि। एहि कारण लगानीकर्ता अत्यधिक निराश भ गेल छथि। निराश भेल लगानीकर्ता सब अर्थमंत्री के असक्षमता ऊपर प्रश्न करैत राजीनामा के मांग कयलनि अछि। काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि बिजनेसलाई के किन राम्रो हुन्छ भन्ने आशा बोकेका थियौँ र उहाँकै चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि त चाहिँ त्यो अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने उहाँ पनि एउटा दाता हुन् होइन, अर्थको पनि एकदम उहाँले पनि केही न केही सुधार ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेको हामी आज चाहिँ निराशमा परिणत गर्नुभयो। उहाँको धारणा के त जनता रुवाउने हो, जनतालाई चाहिँ यस्तो अपमान गर्ने हो, अपमान गर्नु नै छ भने किन उहाँ अर्थमन्त्री भन्नुभयो, किन जनताको अभिभावक भन्नुभयो? उहाँलाई इच्छा छैन जनता मरोस् भन्ने भावना छ भने उहाँले यो जनताको पसिना खाएर किन बस्नुहुन्छ? उहाँ छोडिदिनु भए हुन्छ, राजीनामा दिनुभए हुन्छ। अर्थमन्त्री के निष्क्रियता विरुद्ध लगानीकर्ता सब अघन 24 गते सँ संगठित भ कऽ धरना जुलूस आ विरोध के कार्यक्रम करबाक तय कयलक अछि। मौद्रिक नीति के समीक्षाक पश्चात घटल बाजार में बुध दिन मात्र किछु सुधार देखल गेलाक बादो कारोबार रकम ने बढ़ सकल छल। कारोबार रकम में सुधार नहीं आबि सकलाक कारण बाजार प्रति लगानीकर्ता के मनोबल घटि गेल अछि। शेयर बाजार लगानीकर्ता मात्र नहीं भ बैंक सब में समेत तरलताक अभाव भेला सँ उद्योगी सब निराश छथि। अहिले आएको नीतिले अहिले ग्रोथ रेट जुन छ त्यसलाई फेरि संकुचित बनाउँछ। हामीले जुन एकातिर 7% लक्ष्य लिएका छौँ त्यसपछि फेरि हामी एकदम कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा जाँदैछौँ। यो भयो भने 7%को लक्ष्य चाहिँ अब भेटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेयर बाजार आ उद्योगी सब अर्थमन्त्री आ नेपाल राष्ट्र बैंक दूरदर्शिता नै ल सकल, जाहि कारण भविष्यमे अर्थतन्त्र के दुर्घटना उन्मुख कराओत कहैत एहि दिस समयमे ध्यान द कऽ मौद्रिक नीतिमे सुधार करक लेल सुझाव देलनि अछि। कैमरा ब्यूरो के साथ में रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका चीन के बेजिंग में होबय वाला ग्रीष्मकालीन खेलकूद ओलंपिक में कूटनीतिक बहिष्कार करबाक घोषणा कयलक अछि। बेजिंग ओलंपिक में कूटनीतिक स्तर में अधिकारी सभक टोली ने जात कहि कऽ अमेरिका घोषणा कयलक अछि, मुदा अमेरिकी खिलाड़ी सब सहभागी हेतनि आ सरकार के सेहो पूर्ण समर्थन रहत कहि कऽ व्हाइट हाउस स्पष्ट कयलक अछि। चीन एहि सँ पहिने बहिष्कार केने कोनो भी घटना सबके ओहने प्रतिक्रिया दे बता चुकल अछि। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जेन साकी सोम दिन कूटनीतिक बहिष्कार के निर्णय भेल जानकारी देलनि। एहि सँ पहिने सन 1980 में अमेरिका मॉस्को ओलंपिक के बहिष्कार कयलक छल, ओहि समय खिलाड़ी सबके खेल में सहभागी नहि होबय देने छल। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन आर्सेनल के पराजित कलक अछि। एवर्टन घरेलू मैदान में 2-1 के पुनरागमन जीत हासिल कलक अछि। गुडिसन पार्क में सोम दिन रात में भेल खेल में घरेलू टोली के जीत में रिचार्लिसन आ डीमा राय ग्रे गोल कलन। जीत संगे एवर्टन 15 खेल में 18 अंक जोड़ित 12वें स्थान में पहुँचक लेल सफल भेल अछि। पराजित आर्सेनल 23 अंक जोड़ित 7वें स्थान में रहल अछि, तँ 5वें स्थान में पहुँचबाक मौका गमा चुकल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सभापति के साझा उम्मीदवार के चयन परखले पौड़े समूह में अंतिम रास्ता खस्सी स्रोत चार गोटे नेता आई पुनः एक विषय में करता विचार विमर्श। बैतड़ी में भेल जीप दुर्घटना में मृत्यु हो वाला सबक संख्या पहुंचल 5 कच्ची सड़क के कारण दुर्घटना भेल है प्रहरी के अनुमान। नेपाल में सेहो कोरोना के नवका वेरियंट ओमिक्रोन भेल पुष्टि स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण रूप में पालन करक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय केलक अपील। चीन के बेजिंग में हो वाला ग्रीष्मकालीन खेलकूद ओलंपिक में कूटनीतिक बहिष्कार करवाक अमेरिका केलक घोषणा मुदा अमेरिकी खिलाड़ी चुबक रहत सहभागिता। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन के आर्सेनल ऊपर भेल पुनरागमन जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।